पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाले आजादी मार्च को लाहौर ट्रेन हादसे की वजह से एक दिन के लिए टाल दिया गया था। ये रैली पाकिस्तान के प्रभावशाली धार्मिक नेता मौलाना फजलुर रहमान के नेतृत्व में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ गुरुवार को होने वाली थी, जो आज जुम्मे की नमाज के बाद होगी। दक्षिणपंथी जमीयत उलेमाए इस्लाम फजुल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने 27 अक्टूबर को दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मिलकर सिंधु प्रांत से आजादी मार्च शुरू किया था। रहमान ने इमरान पर 2018 के आम चुनाव जीतने के लिए धांधली का आरोप लगाया है और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। रहमान ने इमरान खान पर आर्थिक कुप्रबंधन, अक्षमता और खराब शासन के चलते आम लोगों की जिंदगी को कठिनाइयों से भरा बनाने का आरोप भी लगाया।